मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के कोपर खैरने स्थित एक होटल में चौंका देने वाली घटना सामने आई है। मारपीट हुई है जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल नवी मुंबई के कोपर खैरने स्थित एक होटल में एक टेबल पर दो व्यक्ति बैठे थे और साइड के टेबल पर करीब 12 लोग बैठे थे। उसके कुछ ही देर बाद 12 लोगों का जो गिरोह है उसमें से किसी एक व्यक्ति के पास फोन आया और वो चिल्लाने लगा और गाली गलौज करने लगा। ऐसे में तभी किनारे पर बैठे दोनों लोगों ने शोर शराबे और गाली गलौज पर ऐतराज़ जताने के चलते इनके बीच में पहले बहस हुई और बहस इतनी बढ़ गई कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों व्यक्ति पर 12 लोगों ने हमला किया है। इतना ही नहीं बल्कि होटल में कुर्सियां और खाने के प्लेटें और बियर की बोतलों से हमला कर इनके सिर पर वार किया गया। इस पिटाई के दौरान 12 लोगों में से कुछ लोगों ने उनके गले से चैन और मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया और फरार हो गए। आपको बता दें कि इन सभी 12 आरोपियों के खिलाफ धारा 395, 397 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मारपीट की पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपियों में से एक रेलवे पुलिस कर्मी बताया जा रहा है। अब इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है।